दोस्तों ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस नेकबैंड ईयरबड पावर्ड बाय डॉल्बी ऑडियो बाय बोट। बोट की तरफ से बोट निर्वाणा 525 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर वाले नेकबैंड है। फीचर्स तो आपको भर भर के मिलने वाले हैं, लेकिन आउटपुट कैसा है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों की? आप लोग ऑलरेडी हमें कमेंट्स कर चुके हैं बहुत सारे कि हमें अपने चैनल पर रिव्यू करना चाहिए बोट निर्वाणा 525 ANC नेकबैंड को। इसका लॉन्च प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज एंड दीज आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस नेकबैंड ईयरबड पावर्ड बाय डॉल्बी ऑडियो बाय बोट ब्रांड। और बोट ने मेनली इनिशिएटिव इसलिए लिया है, एग्जैक्टली क्या होता है, जो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग होती है, जो एनवायरमेंट होता है वो डॉल्बी पावर टेक्नोलॉजी से बिल्कुल सपोर्ट किया होता है। तो आउटपुट है, अगर जो आउटपुट जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे आपको आउटपुट सुनने में मिल जाए तो कैसा रहेगा, उस पर्पज के लिए बिल्कुल इसकी डिजाइनिंग दी गई ताकि जो एक्सपीरियंस सराउंडिंग आपको मिल जाए। डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट इसलिए इंप्लीमेंट किया है बोट ने, और साथ ही में इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मिलने वाला है और इसमें आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाले हैं और प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये कितना जस्टिफाई करता है इस वीडियो में हम एक एक टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, हम करेंगे चेक इसकी डिटेलिंग ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का एंड तक पहुंचते पहुंचते डिसाइड कर ही लेंगे कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोट निर्वाणा 525 ANC नेकबैंड का बिल्कुल आपको ऐसे बढ़िया सा प्रीमियम बॉक्स मिल जाएगा। फ्रंट में ही मेंशन है डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट एंड बैक साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी इसके फीचर्स मेंशन किए गए हैं, हम एक एक डिटेलिंग चेक करेंगे इस वीडियो में आगे। इसको अनबॉक्स करेंगे तो पैकेजिंग काफ़ी इंप्रेसिव दी गई है, बिल्कुल यहाँ पे आपको बुक शेप की पैकेजिंग मिलने वाली है, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से पैक्ड है। और सबसे पहले आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, वारंटी क्लेम कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली है प्रोडक्ट के बारे में, इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक छोटा सा आईएमए बोर्ड का स्टिकर मिल जाएगा, इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी एडिकेट लेंथ की आपको यहाँ पे टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर नेक बैंड। एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से इनको यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग। ऊपर आपको पूरा प्रॉपर सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है, क्वालिटी काफी सही मेंटेन की गई है, इसको आप फ्लेक्सिबल तरीके से यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिलिकॉन मटेरियल यहाँ पे आपको सही मिल जाएगा। और इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपली बोट की ब्रांडिंग के साथ डॉल्बी ऑडियो का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, मेंशन किया गया है। और पूरी यहाँ पे आपको अच्छी मेटालिक फिनिश दी गई है, प्लास्टिक बिल्ड दी गई है, प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। और दूसरे साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं, प्लस माइनस का, बीच में आपको बोट का बटन मिल जाएगा और साइड में आपको यहाँ पे एक अलग से बटन दिया गया है, इसमें जो ANC मोड है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, कैसे एक्जैक्टली बटन कंट्रोल्स वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। और साइड में आपको एक प्रॉपर कवरिंग के साथ एक टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है, यहाँ से आप नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। और नीचे के साइड आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वायर्स मिलने वाली, वायर्स की क्वालिटी मुझे सही लग रही है। और बड्स आपको मिलने वाले हैं पूरे प्लास्टिक बिल्ड के, यहाँ पे आपको दोनों में ही बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पूरे आपको प्लास्टिक बिल्ड के बड्स मिलने वाले हैं। और इसमें आपको ऐसा कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया गया है, मेरे हिसाब से इंप्लीमेंटेशन देते ज्यादा बेटर रहता। यहाँ पे आपको सिंपली मैग्नेट्स मिलने वाले हैं ताकि आपके नेक पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ पर अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नेक पे प्लेस करेंगे, काफी लाइट वेट नेक बैंड है, इसके वेट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे कानों में आपको फिटिंग तो सही मिलने वाली है, अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। और जो लेंथ है वायर की वो भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है, आपको ऐसा कोई फेस साइड पे इरिटेशन फील नहीं करेंगे क्रिएट। और इसको आप डेफिनेटली चाहें तो मैंने काफी कोशिश की हुई है, कानों से नहीं करते हैं, प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। अगर आप एक्टिविटीज भी करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, करेंगे नहीं नेकबैंड कानों से, अच्छा आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। और एक नजर हम डालते हैं इसके फीचर्स पार्ट को लेकर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 11mm के हाई फिडेलिटी ड्राइवर्स, SBC AC कोडेक का सपोर्ट। इसमें आपको बोट सराउंड साउंड पावर्ड बाय डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपको बोट एडाप्टिव इक्वलाइजर मोड्स पावर्ड बाय मिमी का सपोर्ट भी मिलने वाला है, हम सब डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में आगे। साथ ही में इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, AI ENX टेक्नोलॉजी मिलने वाली है फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, एंबिएंट मोड मिल जाएगा, बोट हेयरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। अप्रॉक्सिमेटली आपको 30 आवर्स तक का ओवरऑल प्ले टाइम मिल जाएगा ऑन अ सिंगल चार्ज। और इसको अगर आप ANC मोड में सुनेंगे आपको कंपेरेटिवली कम बैटरी लाइफ मिलेगी, ANC के बिना सुनेंगे आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट चार्ज करेंगे नेकबैंड को आपको नियरली 10 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस नेकबैंड। फीचर्स इसमें आपको भर भर के मिलने वाले हैं, फीचर्स पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम बात करेंगे इसके बटन कंट्रोल्स की, फुल आपको बटन कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, उनका हिसाब किताब ऐसा है, जो बीच वाला बटन है बोट वाला उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा, प्लस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे आप 2 सेकंड्स के लिए आपको नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए आपको प्रीवियस ट्रैक पे ले जाएगा। और बीच वाले बटन को अगर आप यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे तो जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड दे सकते हैं। और बीच वाले बटन को अगर आप 3 बार प्रेस करेंगे, ट्रिपल प्रेस करेंगे,
करेंगे लास्ट नंबर रीडायल हो जाएगा, उसको यूज कर सकते हैं। फिर सिंगल प्रेस करेंगे बीच वाले बटन को, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और इनकमिंग कॉल आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस कर देंगे, कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल प्रेस कर देंगे बीच वाले बटन को, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, बातचीत नहीं करनी है, बीच वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और जो साइड में आपको एक अलग से बटन दिया गया इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे एएनसी मोड में, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे एमबी मोड में, सिंगल प्रेस करने में नॉर्मल मोड में स्विच करता रहेगा सिंगल प्रेस करने से इस वाले बटन को। और इसी बटन को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसका आपको दो मोड दिए गए हैं, इसका आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा और बोट सिग्नेचर साउंड दिया गया है जो इसका नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड में डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट में ही रहता है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे बोट सिग्नेचर सॉन्ग में चला जाएगा, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे डॉल्बी ऑडियो में स्विच कर देगा। इस तरीके से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बटन को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम बात करेंगे इसके एएनसी फीचर को लेकर, 42 डेसिबल्स यहाँ पे ब्रांड ने क्लेम किया है, बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल करता है। जैसे आप एएनसी मोड में स्विच करेंगे आपको डिफरेंस साफ साफ पता चल जाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा परफेक्शन है, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कैंसिल कर रहा है बैकग्राउंड की, दूर की आवाजें आपको नहीं आने वाली है, लेकिन सामने आपके थोड़ा तेज तरीके से कोई बोलेगा आप सुनाई देगा हल्के हल्के तरीके से वो क्या बोल रहा है। तो बोल सकते 85 से 90% तक, बोल सकते 85% तक बैकग्राउंड एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा एएनसी मोड में। इसका एडिकेट तरीके से डिसेंट तरीके से एएनसी मोड वर्क करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड में आप एमबीएम मोड में स्विच करेंगे आपको साफ साफ एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर आप रोड साइड पर रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आपको एक्टिविटीज भी पता चलते रहे आपके बैकग्राउंड में क्या हो रही है, हल्की फुल्की म्यूजिक भी आप एंजॉय कर पाए, उस पर्पज की इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एमबीएम मोड को लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की, यहाँ पर आपको बोट हेरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको निर्वाना 525 एएनसी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट डायग्नोस्टिक का ऑप्शन मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ट्रबल शूटिंग करनी है, कुछ नेकबैंड में दिक्कत आ रही है बटन कंट्रोल्स को लेकर या लेफ्ट राइट के ऑडियो को लेकर, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं नेकबैंड को, यहाँ पर आपका जो इशू है सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे नेकबैंड की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन सेटिंग्स, जो बीच वाला मेन बटन है उसको सिंगल प्रेस करने पे और डबल प्रेस करने में एक्जैक्टली आपको क्या करवाना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसमें आपको इक्वलाइजर मोड दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर मोड है इसमें आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और नीचे जो डॉल्बी ऑडियो है यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉल्बी ऑडियो में आपको नेचुरल साउंड चाहिए कि मूवी का इफेक्ट चाहिए, एक्जैक्टली आउटपुट कैसा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको जो बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर मोड्स है इसमें भी आपको इक्वलाइजर मोड दिए गए हैं, यहाँ पे आपको रिकमेंडेड और रिचर का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कितनी आपको यहाँ पे रिचनेस चाहिए, जो क्लैरिटी है फोकस डालेगा इस पर। यहाँ पे आपको मल्टीपल एक तरीके से बोल सकते हैं आउटपुट सेट करने का ऑप्शन दिया गया एप्लीकेशन पार्ट में, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही आपके जो ईयर्स है उसकी भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आपकी ईयर्स कितनी फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं, तो उस तरीके से आप टेस्टिंग करके प्रॉपर तरीके से आउटपुट ले पाएंगे नेकबैंड के थ्रू। टाइमली यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे हेल्प पर जाएंगे तो हेल्प में आपको दिखा देगा यूजर मैनुअल डाउनलोड करने का ऑप्शन, ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन, प्रोडक्ट ओवरव्यू, अगर आपको मैनुअल डाउनलोड करनी है यहाँ से आप कर पाएंगे। एप्लीकेशन मेरे हिसाब से यूजफुल है, इसको आप यूटिलाइज करके आउटपुट जो है उसमें एनहांसमेंट ले सकते हैं नेकबैंड के थ्रू। और अगर हम बात करेंगे इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, हालांकि इसमें आपको ऐसा कोई गेमिंग मोड में एंटर करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैंने एक गेमिंग टेस्ट किया हुआ है बीजीएमआई का, उसका आप गेमिंग टेस्ट देख लीजिए लगे हाथ। गेमिंग यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं बोल पाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लग सकता है कि कहीं ना कहीं लेटेंसी हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। अगर आप एसबीसी मोड में ऑन करके गेमिंग करेंगे आपको सही एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 60-65 मिलीसेकंड के आसपास आपको लेटेंसी मिलने वाली है। बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है गेमिंग को लेकर, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छी गेमिंग मिल जाएगी। आपने गेमिंग टेस्ट देखकर आपको एक अंदाजा लग गया होगा इसका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। बात करेंगे अब मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। यार इसका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, जिसमें ना डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया जो बिल्ट इन है, आपको इक्वलाइजर मोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप स्विच करेंगे तो बोट का सिग्नेचर मोड में चले जाएगा। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे बोट के सिग्नेचर मोड की, तो जो बोट का सिग्नेचर मोड है जैसे आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर ट्रेबल्स, बड़ी आपको लाउडनेस मिलने वाली है, बिल्कुल आपको प्रॉपर पंचनेस मिलने वाली है बेस पार्ट को लेकर, अच्छे आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स मिल जाएंगे बेस पार्ट को लेकर। और इसमें अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको बोट एडाप्टिव इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया गया, जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि जो क्रिस्पनेस है आउटपुट को लेकर, यहाँ पे जो रिकमेंडेड और रिचर है, रिचर में आप जाके आप सेट करेंगे तो आपको साफ साफ जो है डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे परसेंटेज बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जो क्लैरिटी है वोकल्स को लेकर, जो क्रिस्पनेस है ऑडियो को लेकर, इससे आपको बढ़िया तरीके से पता चलने वाली है। जो क्रिस्पनेस है ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है लाउडनेस को लेकर, ट्रेबल्स को लेकर, वोकल्स को लेकर, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेकर और जो डिटेलिंग है म्यूजिक पार्ट को लेकर, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, प्रॉपर आपको पंचनेस मिल जाएगी सराउंडिंग इफेक्ट्स के साथ बेस पार्ट को लेकर, अगर आप बोट सिग्नेचर म्यूजिक में सुनते हैं तो। और जैसे आप यहाँ पे स्विच करेंगे डॉल्बी ऑडियो में, तो यहाँ पे आपको जो नेचुरल म्यूजिक का ऑप्शन है और जो मूवी का ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन में, नेचुरल में ना साफ साफ जो है आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स जो है आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जैसे आप डॉल्बी ऑडियो में स्विच करेंगे। सराउंडिंग
आपको इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, आपको लगेगा बिल्कुल आप जैसे थिएटर में बैठ के म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। सराउंडिंग आपको इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, जो डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है बिल्कुल सही तरीके से मेरे हिसाब से वर्क करता है, सराउंडिंग इफेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से क्रिएट करता है। नेचुरल मोड में आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स मिल जाएंगे, मूवी मोड में आप जाएंगे तो जो वोकल्स है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस डालेगा। हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं किया नेचुरल मोड और मूवी मोड में, बस थोड़ा बहुत लग रहा था कि वोकल्स को लेकर हल्का फुल्का एनहांसमेंट है, लेकिन जो डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है सही तरीके से वर्क करता है। अगर आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए, अगर आप बिल्कुल 3D इफेक्ट्स लेना चाहते हैं म्यूजिक पार्ट को लेकर, उस पर्पज से आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। म्यूजिक और बेस पर्पज के लिए अगर आपको बढ़िया नेकबैंड चाहिए, म्यूजिक और बेस पार्ट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं किया गया है, वहाँ बिल्कुल जस्टिफाई करता है। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर ENX टेक्नोलॉजी दी गई है। एक आप आउटर कंडीशन कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए इनके थ्रू। हेलो दीक्षा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी बेबी के साथ, मासा एंड बियर देख रही हूं। ओके, अरे यहाँ पे अभी मेरे पास ना बोट ब्रांड की तरफ से बोट निर्वाणा 525 ENC एक नए नेकबैंड लॉन्च हुए हैं। हाँ। अभी मैं उनसे लाके थोड़ा आउटर कंडीशन में ऑफिस के पास खड़ा हूँ, तो मेरी आवाज तो मैं कैसे आ रही? नेकबैंड के थ्रू डायरेक्टली बातचीत कर रहा हूँ मैं। आवाज तो अच्छी समझ में आ रही है, क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी है, बस थोड़ी सी बैकग्राउंड की जो एक्टिविटी है वो मैं कैच कर पा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे बहुत तेज विंड चल रही है, थोड़ी बहुत यहाँ से गाड़ियाँ भी जा रही है, उनकी आवाज तुम्हें पता चल रही है? हल्की फुल्की, हाँ मुझे विंड नॉइज मतलब पता चल रही है और बैकग्राउंड की एक्टिविटी भी पता चल रही है। मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हूँ? 75-80% बोल सकती हूँ। 80% तक? ओके ओके, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ बाय। कॉलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है डिसेंट, इंटर कंडीशन में आपको सही कॉलिंग मिल जाएगी, लेकिन आउटर कंडीशन में मैं बातचीत की हुई थी, वहाँ बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी, विंड नॉइज काफी हद तक मेरी वाइफ कैच कर पाई थी, एक्टिविटीज थोड़ी बहुत कैच कर रही थी बैकग्राउंड की, मेरी आवाज़ पे डिसेंट तरीके से फोकस था। लेकिन कॉलिंग इसमें आप बोल सकते हैं डिसेंट मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं है, आउटर कंडीशन में आपको डिसेंट कॉलिंग मिल जाएगी, इंटर कंडीशन में आपको सही कॉलिंग मिलने वाली है। अब हम करेंगे रेटिंग, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और इसके ENC मोड को भी आउट ऑफ 10 हम करेंगे। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 out of 10 और इसके ENC फीचर को दूंगा मैं 8.5 out of 10। दीज आर रेंज ऑन टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेकबैंड अप्रॉक्सिमेटली 2500 rupees। और देखा जाए अगर आपका मेनली फोकस है ऑडियो को लेके, अगर आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए, जो डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, एप्लीकेशन का सपोर्ट है, सही तरीके से वर्क करता है, मेनली आपका फोकस है म्यूजिक और बेस पार्ट को लेके, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उस पर्पज के लिए नेकबैंड बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। बाकी इसमें आपको डिसेंट कॉलिंग मिलने वाली है, डिसेंट आपको गेमिंग मिल जाएगी, ENC एडिक्वेट तरीके से वर्क करता है। बाकी मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया सारी टेस्टिंग के साथ, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है इसमें मनी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, क्वालिटी टेस्ट, गेमिंग टेस्ट एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च बोट निर्वाणा 525 ENC नेकबैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।